होली पे बढ़ रही थी डिमांड, इस तरह से दे रहे थे घटना को अंजाम। चंदौली पुलिस ने फेरा पानी, 78 लाख की शराब के साथ चार को धरा। सदर कोतवाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर नेशनल हाईवे पर लीलापुर के पास एक इनोवा व ट्रक पर लदी 78 लाख रुपए की शराब को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने चार तस्करों को धर दबोचा। उक्त शराब होली पर्व के मद्देनजर हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी। संदेह न हो इसके लिए ट्रक में भूसियों के बीच शराब की पेटियों को छुपाया गया। साथ ही पशु आहार की बिल्टी के सहारे ट्रक को बिहार ले जाने की योजना थी। उक्त प्रकरण का शनिवार को एएसपी वीरेंद्र कुमार यादव ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सदर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक पर भारी मात्रा में शराब लादकर बिहार ले जाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही एक इनोवा कार सवार तस्कर ट्रक को लोकेशन पर आगे बढ़ा रहे हैं। जानकारी के बाद सदर कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच ने लीलापुर रेलवे फाटक के पास हाईवे पर वाहनों की जांच शुरू कर दी। तभी इनोवा कार वहां से आती हुई दिखी तो पुलिस ने रोककर उसमें सवार लोगों से पूछताछ की। तलाशी के दौरान इनोवा कार से 20 पेटी शराब पकड़ी। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए बिहार में शराब की डिमांड बढ़ गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए ट्रक पर भूसियों के बीच शराब को भरकर ले जाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तस्करों की निशानदेही पर पीछे से आ रहे ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने कुल 78 लाख रुपए की कीमत की शराब पकड़ी। क्या बरामदगी है, क्या कार्रवाई की गई है? ये होली के त्योहार को दृष्टि रखते हुए क्योंकि ये शिकायत रहती है कि इस रूट से गाजियाबाद से होकर के और पूरे उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हुए बिहार तक शराब ले जाई जाती है अवैध तरीके से, तो इसी में कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था थाना प्रभारी चंदौली और एसओजी प्रभारी अभय सिंह के नेतृत्व में। कल जो है आकस्मिक रूप से चेकिंग की गई लीलापुर क्रॉसिंग के पास, तो उसमें एक इनोवा कार जो है जो आगे आगे चल रही थी उसको रोका गया, उसको चेक किया गया, तो उसमें 10 पेटी शराब पाई गई। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि एक ट्रक पीछे आ रहा है और उसमें जो है हम लोगों का असली माल उसमें लगा हुआ है। इसके बाद फिर जब उस ट्रक को रोका गया तो उसमें भूसा भी था, उसमें पीली बोरियां थी, फिर उसमें करीब 10 से 15 पेटी शराब उससे बरामद हुई। एक एक पेटी में लगभग 48 सीसी शराब रहती है, ये करीब 46,728 सीसी जो है शराब पकड़ी गई है अवैध तरीके से। कुल कितने मूल्य की शराब पकड़ी गई है? ये लगभग इसकी कीमत होगी खुले बाजार में 78 लाख के आसपास। 78 लाख और कितने लोग हैं? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें एक अभी जो है वो गाजियाबाद जनपद का रहने वाला है और शेष बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ से लेकर आ रहे थे? अब ये तो बताया कि हम सब गाजियाबाद से लेकर आ रहे थे।